हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय चैनल। मैं हूँ अंजू मलिक। आज मैं ये वीडियो जो है ना, दो जो पील ऑफ मास्क हैं इनको यूज़ करके बताऊँगी, वो भी आधे आधे फेस पर। हम इन दोनों को यूज़ करेंगे और देखेंगे किसका रिजल्ट कितना अच्छा है। तो देखो, पहले कि अपने पूरे बालों को कवर कर लें, जिससे कि वो पील में अपने बाल ना चिपके, जैसे अठाने के बाद दिक्कत होती है। तो पहले क्या करेंगे, एवरी यूथ का जो पील ऑफ मास्क है इसको आधे फेस पर लगाना है मुझे। मैं आधे फेस पर लगा लूँगी इसको पहले, और इसको अच्छी तरीके से लगाना, मतलब कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। तो मैं इस तरीके से इसको लगा लूँगी। जो एवरी यूथ का जो पील ऑफ मास्क है ना, इससे क्या होता है, सारी डेड स्किन हट जाती है और ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ये सारे निकल जाते हैं। और देखो, इसको यूज़ करने से पहले क्या है, हमें अपना फेस वॉश करना चाहिए और स्किन एकदम स्किन को अच्छी तरीके से साफ़ कर ले। फिर इसके बाद इसकी एक लेयर लगाते हैं। तो इसको लगाने के बाद 15 मिनट तक छोड़ना है इसको। तो देखो, मैं पहले इसको अपने आधे फेस पर लगा लूँगी, इससे देखने कितना अच्छा सा ग्लो आ जाता है, एकदम गोल्डन गोल्डन हो जाता है फेस, और फेशियल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये मेरा आधा लग चुका है आधे फेस पर। अब मैं दूसरे साइड में लगाऊंगी ब्लैक। ये बाओ का एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क है। इससे इसमें क्या है, सारे जो हमारे ब्लैक हेड्स होते हैं ना, सारे रिमूव हो जाते हैं। और ये 399 का है, तो ये महंगा भी है काफ़ी। और इसको निकाल के देखें, इसमें क्या है, जो बाओ का पील ऑफ मास्क है ना, इसको 30 मिनट रखना है और एवी यूथ को 50। तो मतलब दोनों को 30 मिनट ही रख लेंगे, जिससे कि अच्छी तरीके से ये सूख जाएगा और इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो देखो, अपने आँखों को और आईब्रो को छोड़ के इसको अच्छी तरीके से लगा लेना। तो ये आधे आधे फेस पर हो जाएगा मेरा। तो इस तरीके से मैं लगा लूँगी और देखेंगे दोनों का रिजल्ट कैसा है, दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो इस तरीके से मेरा लग गया, और ये आधा घंटे के बाद देखो पूरा अच्छी तरीके से सूख गया। ये थोड़ा सा रह गया था जो सूख नहीं पाया, इधर का एवरी यूथ का तो पूरा ही सूख गया, क्योंकि ये तो 15 मिनट में सूख जाता है, तो आधा घंटा लिया इसमें। तो देखो, इसको मैं हटाऊंगी थोड़ा सा लेकर, इसको नीचे से ऊपर की ओर हटाना है, जिससे कि सारे जो फेशियल हेयर है ना, सारे रिमूव हो जाएँ, वो भी आसानी से हो जाएँ। तो इस तरीके से मैं अपने जो मास्क लगाए इसको हटाऊंगी, और ये एक बार में हट जाएगा, मुझसे ये टूट गया था तो एक बार में मैं इसको हटा भी सकती थी। तो इस तरीके से क्या, देखो पूरा जो फेस है ना, सारे जो फेशियल हेयर हैं छोटे छोटे, सारे रिमूव हो जाएंगे, और इतना अच्छा ग्लो, मतलब जो एवरी यूथ का है ना, इससे ज़्यादा मतलब दर्द नहीं हुआ, ये आसानी से भी निकल गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी, एवरी यूथ का मतलब हाल आसानी से निकल गया था। और जो बाओ का जो पील ऑफ मास्क था ना, इससे तो मेरा मतलब काफ़ी दर्द हुआ इसमें, क्योंकि सारे जो फेशियल हेयर थे, ब्लैक हेयर्स, वाइट हेयर्स थे, सारे रिमूव हो गए। तो इससे तो थोड़ा मुझे दर्द भी हुआ। तो इसमें क्या है, एवरी यूथ भी ठीक है और ये बाओ का भी ठीक है। और देखो, मेरे फेस पर कितना अच्छा ग्लो आ गया है। तो दोनों ही ठीक है, लेकिन ग्लो दोनों का ही मुझे तो एक से ही लगा है बस। थोड़ा सा इससे क्या है, जो बाओ का पील ऑफ मास्क हटाया था ना, उससे थोड़ा मेरा दर्द हुआ। तो जिससे उससे मैं दर्द क्यों हुआ, क्योंकि उसके सारे जो फेशियल हेयर थे ना, सारे रिमूव हो गए। अब देखो, मैं अपनी फेस को वॉश करके आई हूँ और इतना सॉफ्ट हो गया, एकदम फेशियल जैसा ग्लो आ गया, तुरंत ही फेशियल जैसा ग्लो आ गया। तो मुझे तो ये दोनों ही ठीक लगे। तो इस तरीके से देखो, मतलब मेरे फेशियल हेयर है ना, एक भी फेशियल हेयर नहीं रहा, सारे निकल गए एक बार में, ये फेशियल हेयर निकल गए। अगर हम इसको यूज़ करना चाहें ना, तो 15 दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।